तो इनकी साजिश वन बाई वन आ रही है कि एक खौफ को बदलाया जाए। तो हम लोग सोशल मीडिया में बहुत डिबेट चलता रहता है, तकरीबन 10,000 लोग डिबेट में आने वाले। तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, तुम एनआरसी करने से आप लोगों को क्या तकलीफ है? तो वही हुआ क्रिएटिव टू टोटल इंडिया, एनआरसी टोटल इंडिया में अमन करने की क्या जरूरत है? तुम अलग कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई पाकिस्तानी को जाके यहाँ से मिशन छूट दो, हम ये नहीं कह रहे कि बांग्लादेशी को सिटीजनशिप दो, हम हिंदुस्तान है, हमारा सिटीजनशिप पूछने का हम कोई और किस तरह का होता है? हमारा कहना यही होना चाहिए, ये सिर्फ कैस्ट बेस्ड नहीं है, कोई रिलीजियस बेस्ड नहीं है, इसको हमने जो हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ साजिश किया जा रहा है उसको रोकना है। तो इसका एक ही साधन है, नेटवर्क को बंद कीजिए, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। फिक्र जो है वो एक गांव तक या एक कुंभे तक या एक हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी सोच लामहदूद है। तो हमारी सोच जब लामहदूद है तो उस पर अमल भी लामहदूद होना चाहिए। सिर्फ एक हद तक हम चंद दिन जोश में आके, कुछ जज्बे में आके कुछ कर दिखाए, कुछ रैलियां और कुछ जुलूस निकाल कर खामोशी अख्तियार कर लें, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि इस पर मुसलसल मेहनत होनी चाहिए। और उस मेहनत के ताल्लुक से ये बात के सामने आ ही गई कि मेंबरों में हराम, जहाँ से हर हक की आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए थी, वो आज सिर्फ और सिर्फ एक रस्म रिवाज बन कर रही है। हम रस्म रिवाज तक महदूद ना हो, बल्कि हक की आवाज को जिस अंदाज में भी हमसे हो सके हम इसको आगे पेश करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी दानिशवरान कौम और लीडरान हैं वो सब इस ताल्लुक से जो है सोचने ही पर मजबूर हैं कि मैं किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें हम आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दीगर मजाहब के लोग भी हैं, उनको भी साथ, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक कौम का मसला नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का मसला है। और हिंदुस्तान में कोई एक कौम या एक मजहब के मानने वाले नहीं, बल्कि एक सेकुलरिज्म मजहब के मानने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ हमको सेकुलरिज्म के ताल्लुक से सोचना होगा और उसी ताल्लुक से उसी मैच पर हमें आगे बढ़ना है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल करने की तौफीक। ये बोलने का मौका नहीं है, शायद आप दानिशवरान हैं, अहले इल्म हज़रात हैं, आपको मालूम है कि हज़ारों साल पहले जिस तरह की हालत भारत की थी, दोबारा वही हालत इस मुल्क में कायम करने का मुकम्मल प्लान और मनसूबा RSS के ज़रिए से आज से 100 साल पहले इसकी जो है क्या बोलते हैं सावरकर की ذہنیت کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی اور وہی راہ عمل اب جو ہے عملی طور پر وہ پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں اس میں بلوں کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں جماعت اسلامی کے پاس جو مواد ہے وہ امت کے سامنے لائے، اور جیسا کہ دیگر حضرات نے فرمایا کہ مسلم سمسیا مسلمانوں کا معاملہ، اس کو ہرگز اس طرح کا پیش نہ کیا جائے۔ یہ معاملہ بھارت کا ہے، और भारत में अगर ये मामला ऐसा ही रहा तकरीबन 30 करोड़ जैसा कि हम लोग कहते हैं 20 करोड़ कोई 25 करोड़ के मतलब क्या बोलते हैं, यकीनी बात तो ये है कि हर एक फर्द तक, मसलन हमारे जमात एलिजिस है, जमात इस्लामी है, जमात सुन्नतुल जमात है, लेकिन एक हद तक चंद लोगों को पता होता है, बाकी के लोगों को इससे गाफिल है। तो ये नहीं होना चाहिए, हर एक जमात के अमीर को हो, उन्हें हल्के के जिम्मेदार को हो, नहीं बोले तो के डिस्ट्रिक्ट के हो, उन्हें मुकामी हो, हर एक जने की भी एक फिक्र रहेगी, हर एक हमारे भाई को ये बात ऐलान हो जाए कि हम इस वक्त जुड़ को काम करना है। इसका खास कर को हमारे अंदर एक नज्म नहीं कि नज्म होना हिंदुस्तान के संविधान का है, जिस पर सभी गैर भाई लोग यहाँ पर हमारे साथ सराबा हमसे भी ज़्यादा इहतजाज कर रहे हैं, प्रेरित करने के। दूसरी बात यह है, ये बिल से एक्ट भी बन चुका है, मगर अब इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने इस इहतजाज को या हम अपने इस तहरीर को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाएं न्यू इलेक्शन विद बैलेट पेपर के नारे के साथ। न्यू इलेक्शन विद बैलेट पेपर के जरिए। और दूसरी बात यह है कि अभी हमारे सामने फिलहाल झारखंड के अंदर इंतखाबात चल रहे हैं, क्यों ना यहाँ की सारी आवाम, अभी झारखंड की आवाम पर हम तवज्जो दें कि आप लोग जो है EVM में वोट ना डालें, जो
हिंदुस्तान ईपीएफ में वोट डालकर ही आज यह सदा भगत रहा। क्यों ना ये इंतमिला और ये हिम्मत वाला काम आपके झारखंड स्टेट से शुरू ना क्यों जाए, आप इसमें साबित पदवी लेकर पहला कदम आप उठाए। जैसा कि अभी जनाब आप विश्वास साहब ने बताया कि सोशल मीडिया भी अभी करीब बंद होने वाला है, तो जब तक ये है इसका फायदा उठाते हुए एनआरसी और सीएए के ताल्लुक से जो गलत फहमी आवाम में फैलाई जा रही है और इसके ताल्लुक से आवाम गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सियासतदान कह रहे हैं कि सीएए से मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है और इसको एनआरसी से जोड़ कर मत देखो, ये सब बकवास की बातें हैं। अगर हम उसको एनआरसी से जोड़ेंगे भी नहीं तब भी सीएए खुद हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और हमारे बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है, तो इसके लिए भी हमें सुखी मजम्मत करना चाहिए और हमारी जो बोलने वाली आवाम को ये बात बताना चाहिए कि चलो हम इसको एनआरसी से नहीं जोड़ेंगे लेकिन फिनसी जो सीएए है ये हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और उसके साथ साथ ये हमारे बुनियादी हकूक के खिलाफ है। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं, एक काम ये है कि जो शकूक फैलाए जा रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए से उसका जवाब सोशल मीडिया के जरिए अगर हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन तहरीक के तीन चार प्रजाति को मुस्लिम हिंदूस वेरे जातुलो అయితే ఈ అమెండ్మెంట్ అక్కడ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో అప్పుడు ముస్లిమేతరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేస్తారు, పౌరసత్వం ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళందరినీ ఇండియాలో ఉండడానికి అనుమతిస్తారు. అంటే ఎన్ఆర్సీ దేశం మొత్తం మీద వచ్చినప్పుడు ఒక్క ముస్లిం తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా పౌరసత్వం ఇచ్చేటువంటి చట్టం ఏదైతే తీసుకొచ్చారో అది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. మేము ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నాం అంటే మీరు ఎన్ఆర్సీ పెట్టాలనేటువంటి మీ ఆలోచన మీ కుట్ర ఏంటంటే ఎన్ఆర్సీ పేరుతో ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ పౌరసత్వాన్ని రద్దుపరిచి వాళ్ళని సెకండ్ క్లాస్ సిటిజన్స్గాను డిటెన్షన్ సెంటర్ పంపించడానికి కరవాపసీ చేసి మీరు మళ్ళీ ఇటువంటి దేశంలో ఉంటే ఉండండి అని చెప్పు, లేకపోతే మీరు పాకిస్తాన్లో లేకపోతే బంగ్లాదేశ్లో మీరు